सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया राइट है ना। यस जी देखो मुझे भी बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है, नाउ योर क्लास इज रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ सुनाई दिया मुझे है ना। लेकिन उसका इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इंडियन से यार चल जाता सब कुछ, ठीक है। चलिए तो अगेन बच्चों, सब बच्चों अगेन बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो जब भी आप आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ोगे, तो जहां तक कुछ बच्चे सुबह आए थे, ज्यादा दो बच्चे थे, ठीक है ना। तो होता क्या बच्चों, हमने ये देखा जितना भी फॉर्मूला वहां पूछा गया है, जितने फॉर्मूला बच्चों कैसा है, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, अगर आप 10 में से आने के लिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप बोलोगे पीएच में से आता है, ठीक है ना। और आप बोलोगे केएसपी, मतलब कि आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आता है। तो जितना भी क्वेश्चन से बच्चों पीएच फॉर्मूला आ रहा है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो अगर आप इसके पढ़ते बच्चों, तो आपके इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे बच्चों बच्चों देखो, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा क्या लिखा, देखो लिखा है, देखो रिलेशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेंट एंड डिस्ट्रिक्ट बेस, है ना। तो हमें क्या बच्चों क्या पता है, जो आपका के डब्ल्यू होता है वो बच्चों क्या होता है, 1 × 10⁻¹⁴ है ना राइट बच्चों। ये इसकी होता है कि नहीं, के डब्ल्यू का ये वैल्यू होता है। तो बच्चों हमें ये पता है, अगर मैं के बी और के और के बी को मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वहां पे के डब्ल्यू का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे वहां पे के डब्ल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चा ये इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इरेजर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लुइस एसिड, लुइस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, अरिनेस एसिड बेस पढ़ा था, ठीक ना। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि हमारा जो ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला पार्ट है वो क्या, हम उसे क्या कैसे क्या बोलेंगे, हम ब्रॉन्स्टेड क्या बोलेंगे। जिसमें जो है एसिड तब होता है जब एच पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और बेस तब होता है जब एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट होता है। क्या बात है सानू, एकदम आज तंदुरुस्त वॉइस में बोला, एकदम से एकदम सही बोला आपने बच्चा, है ना। तो हम ये बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे कि ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोटॉन डोनर है ना, ये आपका प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे एच प्लस के बारे में, मुस्कान बोल रहे स्पीड ऑफ लाइट। बच्चा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला भी क्या बोलते हैं, हर जगह काम आएगा, इवन केमिस्ट्री में काम आता है, फिजिक्स में काम आता है राइट। तो हर जगह काम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात है चलता है, चलता है। अब बच्चे फिर हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में। तो जैसे सानवी ने कहा, वो क्या बच्चों का, ये आपका होगा प्रोटॉन एच प्लस एक्सेप्टर, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, जब हम बात करते हैं लुइस एसिड बेस के बारे में, है ना। हेलो वैशाली, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो बच्चों लुइस बेस हम क्या बात करते हैं बच्चों, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना। अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बच्चों क्या बनेगा, लुईस एसिड एकदम सही, आपका लुइस एसिड बनेगा। और बच्चों ये बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपका डी ऑर्बिटल खाली हो, तो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी क्या बच्चों का, वो भी आपका लुइस एसिड कहलाएगा। और 20 बच्चों का, वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ये हमने पढ़ाई किया था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों ये पार्ट है बच्चों, देखो डिसोसिएशन कॉन्स्ट ऑफ पॉली प्रोटिक एसिड। पॉली मतलब क्या, एक से ज्यादा, प्रोटिक मतलब क्या बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन आ गया, ऐसे मतलब जो इस पर सीरीज करेगा। अब देखो यहाँ बोला गया बच्चों, बोला गया इट इज ट्राई बेसिक, मतलब क्या बच्चों, अगर ये आपका H3PO4 है, पहला एच प्लस किया तो क्या बना, H2PO4- बना। दूसरा बच्चा एच प्लस तो क्या बना, HPO4 2- बना। अगर आपके तीसरा क्या है बच्चों एच प्लस, तो क्या बना बच्चों, HPO4 3- बना राइट, ये बना। तो बच्चों इसका ओवरऑल के केवल बच्चों क्या होगी, आप बोलोगे अगर आप सबको मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे बच्चों, K1 × K2 × K3। इससे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि
के वन के और क्या बच्चों ज्यादा है, फिर के टू और लास्ट में के थ्री, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए है ना, ये पता होना चाहिए। दूसरा बात के बच्चों, सपोज करो आपके वो डाई बेसिक मतलब कि आपके साथ दो एक्सप्रेसिस करते, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों बोला गया, देखो जैसे मान के चला एस टू एस फोर है, तो बच्चों अगर आपका ये एक एक्सप्रेसिस कर तो बच्चों क्या बनेगा, एच एस फोर माइनस, अगर ये दूसरा एक्सप्रेस बच्चों क्या बनेगा एस फोर टू माइनस, तो क्या बन जाए बच्चों ये आपका डाई बेसिक बन जाएगा। अगर आप बच्चों अगर आप ये बोलोगे एक का पीके तो बोले क्या बच्चों मान के चलो एक्स है, और दूसरा पीके बोले क्या बच्चों तो क्या बोले बच्चों इसका वाई है, तो अगर आपको बोलेंगे कि इसका पीएच है, तो बच्चों पीएच कैसा आएगा आपका, बच्चों पीएच कैसा आएगा, ये आपका आएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा अगर डाई बेसिक है तो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये चीज दो बच्चों प्रॉपरली लिखा गया, देखो पीएच ऑफ एच टू पीओ टू एच टू पीओ फोर माइनस, अब बच्चों कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है क्या बच्चों, आप बोलोगे के वन और के टू, तो इससे बच्चों क्या आएगा पी के वन प्लस पी के टू, बच्चों के ए से पी के कैसे बनता है, आप बोलोगे पी के कैसे वन कैसे बच्चों कैसे बनेगा माइनस लॉग ऑफ के ए वन, राइट। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हम जब भी आपका के कब आ रहा है और आपका पी के कब आ रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन बोलो सेम फॉर्मूला है सब हर सबका, खाली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ पीएच की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है नेगेटिव लॉग ऑफ पीएच, क्या बच्चों का नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन, तो बच्चों लास्ट में देखो अगर आपको यहाँ पे पी के वन है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा माइनस लॉग ऑफ के वन, इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए, तो बच्चा आपका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। डन सर बच्चे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, यस yes। तो देखो बच्चों ऐसे आपको इस चीज को समझना है। अगर आपको इसका ओवरऑल डिजिटल क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे के वन इंटू के टू इंटू के थ्री, ऐसे बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और बच्चों इस पार्ट से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से बच्चा प्लीज समझना, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा। तो क्या बच्चों ये आपका पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बोला, मतलब क्या बच्चों एक से ज्यादा एच प्लस ओ डोनेट कर सकता है वाटर एक्वस मीडियम, तो आपका आंसर आ जाए, तो ऐसा बच्चों में यहाँ पर करना है। तो बच्चों ये पाठ हमारा हो गया। अब देखो बच्चों अगेन वो चीज बोला गया है, देखो क्या बोला था बच्चों, देखो अगर यहाँ पीके मतलब कि डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट वाला एसिड वाला पार्ट आ गया और बेस आ गया, तो अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 14 आंसर आएगा। क्यों बच्चों, हमें ये पता है के डब्ल्यू क्या होता है, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14 होता है ना। तो बच्चों पी के डब्ल्यू क्या बच्चों का, आप बोलोगे आपका पी के डब्ल्यू क्या आएगा, आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, आया कि नहीं बच्चों आएगा, है ना। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ जाएगा 14 आपका आंसर, इतना बच्चा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आना चाहिए और आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्लाई करना भी आना चाहिए। दूसरा बच्चा हमने कल क्या पढ़ा था, बच्चा हमने ये पढ़ा था कि के डब्ल्यू के वाले क्या होते हैं, बढ़ते बच्चों जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ चला गया भाई, हाँ ये चल, देखो दैट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बच्चों स्टेटमेंट ध्यान रखना एग्जाम में काफी पूछ जाता है। तो बच्चों ये हमारा आ गया। अब देखो अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बच्चों पढ़ने वाले हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग बच्चों क्या आएगा, देखो यहाँ पे सब में कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन आपका एच है, और एच क्या फर्क क्या बच्चों इसमें आ रहा बच्चों, रहा है यहाँ पे सारे हैलोजन होते हैं, यस सर। तो अगर आप देखो बच्चों दो दो एफ सी एल बी आर और आयोडीन, तो बच्चों क्या होगा अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बच्चों ये कहोगे कि आपका एसिडिक साइज, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे
कि आपका जो आयन वो जो क्या होगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब उसका साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा। उसका साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो क्या बचोगा, जो आपका सेंटर होगा और आपका एफ एच होगा, एच मतलब हाइड्रोजन होगा, तो उसके बीच में क्या बचोगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो मतलब क्या बचो, जो आपका अच्छा क्या करे बच्चों, ये आपका जल्दी एच प्लस रिलीज कर देगा। तो क्या बच्चों क्या बोला मैंने, जो भी मॉलिक्यूल जितनी जल्दी एच प्लस रिलीज कर देगा वो क्या बचोगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एक्वस मीडियम में जो एच प्लस जल्दी रिलीज कर दे वो क्या बचोगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो ऑर्डर बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे अच्छा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर एच बी आर एस सी एल और फिर एच एफ, ये आपको करना है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बच्चों क्या बोला गया आपको, ध्यान से जरा देखो उसको। दूसरे पार्ट बच्चों ये बोल, देखो अब देखो हाइड्रोजन सब में है, चेंज बच्चों किस में आ रहा है, आप बोलोगे कार्बन में नाइट्रोजन दो, ये क्या बच्चों, ये आपको ग्रुप 14 है, ये ग्रुप 15 है, सारा पर अलग अलग ग्रुप जा रहा है। तो बच्चों हम क्या देखो, हम क्या कर बच्चों, हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या बच्चों होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बच्चे होगा आपका एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो वो सबसे सबसे एसिडिक बच्चे कौन होगा, आप बोलोगे एचएफ आपका सबसे एसिडिक होगा। तो बच्चों ऐसे आपको करना है चीजों को लेकर, काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, आप हमें पढ़ा आपका, हमने देखा कि स्ट्रेंथ कैसे आपको डिपेंड करता है पार्ट, ओके। तो बच्चों ये हमने डोकलो फ्रेम, आगे बच्चों आगे आगे बढ़ते हैं। और अब आप बच्चों आप खुद देखना, इसी पार्ट से बार 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 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देखना। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो आप खुद देखना एग्जाम क्वेश्चन किस आते हैं, ओके। तो क्या बच्चा हम आगे बढ़ सकते हैं। सारे बच्चे वैशाली, अंकिता, सायना, साजिया, नूडंग कर लो, नीति, सीमा, नूडंग कर सकते हो बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बस। अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहां समझो क्या लिखा, बोला बच्चों बोला गया कॉमन मतलब क्या, सेम सेम, आयन मतलब क्या बच्चों, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जा जाएगा, इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना बच्चों। ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है बच्चों, आता है सॉरी बच्चों, ये बच्चों कहाँ पे काम आएगा, ये बच्चों काम आएगा वीक एसिड में एंड वीक बेस में। वो क्या, वो दोनों क्या बच्चों, वो दोनों आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चों क्या बोला, तो ध्यान देखो, इट इज डिफाइंड एज द सप्रेशन, सप्रेशन मतलब क्या बच्चों, कम होना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द सेम कॉमन आयन। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे मान के जो बच्चों सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CWH, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक एसिड है, ये मैंने पानी में डाला हुआ है, वीक हाँ मतलब कि ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चों इसके अंदर मैं क्या डाला बच्चों, डाला ये डाल दिया CH3CWN डाल दिया। तो बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या बताओ, ये दोनों क्या बच्चों, ये दोनों आपका कॉमन आयन है। तो बच्चों इसके ऐड करने से, इसके ऐड करने से क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे ये जो आपका एसिडिक एसिड है वो क्या बचोगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। वैसे बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब बच्चों अगर मैं इसको और ऐड करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, आप वो बोलोगे क्या और कम हो बच्चों का, जाएगा। और कम हो जाए। तो क्या बोलो, इट इज डिफाइंड द सप्रेशन मतलब क्या, कम होना, किससे कम बच्चों होना, दे दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीसेस, मतलब क्या हो चुका, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल इसका लिया है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है, तो ये इसका है आपका कॉमन
कॉमन एंड सेट के बारे में। तो अगर आपको वीक किलोट्रेड्स का डीसी कम करना है तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको आपको उससे क्या क्या आपको करना है, आपको एक कॉमन आयन का डाल देना है। तो बच्चों का उसका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बोलो या डिग्री ऑफ आयन क्या बच्चों वो आपका कम हो जाएगा। क्या बच्चों रहा, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट है, ये आपका कॉमन इफेक्ट है। बच्चों समझ रहे पार्ट? यस जी। तो क्या बच्चों का इसका आयनेशन घट जाएगा। बस बच्चों इतना ध्यान रखो, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो बच्चों, हम आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो। देखो द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस एन इलेक्ट्रोड हैविंग द कॉमन आयन इज एडेड, द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फर्दर सप्रेस मतलब कम हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। अल्टीमेट ध्यान क्या रख जो इसको कम करना है। अब इस सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात है, मैं आपको अलग वे में बता रहा हूँ। सपोज करो अभी आप अपने घर पे इकलौती लड़की हो, है ना, जिससे मैं बात करता हूँ, मैं सीमा ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो बच्चों क्या हो रहा है, अभी मैं मस्त झूम रही हूँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मतलब मेरे पापा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं ना, बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चे हुआ मेरा एक दूसरा एक चाचा का या मतलब कजन मेरा भाई आ गया, तो क्या बचोगा, पापा मुझे प्यार क्या बचोगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, उसको थोड़ा प्यार है ना, कम हो जाएगा ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे जो आपका इफेक्ट था लव अफेक्शन हो, थोड़ा सा कम हो, क्यों बच्चों थोड़ा सा उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चा आपका कॉमन इफेक्ट काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक समझाने का तरीका हुआ, समझे सारे बच्चे ये पार्ट? जी। तो बच्चों ऐसे आपको ये पार्ट को समझना है। अब देखो बच्चों बेसिकली आइसोहाइड्रिक वाला पार्ट तो बच्चों आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर बच्चों आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या बोला था बच्चों, देखो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस, खाली नोट डाउन कर लो, मतलब ये टॉपिक में नहीं फिर भी देख सकते हो। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इन द सोल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, क्या बच्चों कॉन्सेंट्रेट पार्ट दो, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन ऑफ टू द टू इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जांपल दिस एंड दिस सोल्यूशन, अगर मैं दोनों मिक्स करता हूं तो बच्चों क्या होगा, इसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा डिग्री ऑफ डिफ्यूजन में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन। एक काम करो, पूरे की जरूरत नहीं, आप खाली ये ध्यान रखो कि क्या ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों आइसोहाइड्रिक पैर है, मतलब बच्चों इन दोनों के सोल्यूशन अगर मैं मिक्स कर दूं तो बच्चों क्या होगा, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे बोलेंगे आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन। तो बच्चों देखो, हाँ अब देखो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। अब सारे बच्चे ध्यान रखना जो बता, देखो अगर मैं नॉर्मल सॉल्ट की बात करता हूँ तो हमें क्या पता बच्चों, NaCl और K2SO4, KCl, ये सब सॉल्ट है, ठीक है ना। ये बच्चों कैसे बनते हैं, आप ये बोलोगे जब एसिड और बेस क्या बच्चों का कंबाइन होगा वहां पे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपका वाटर बनता है, तो बच्चों क्या बनेगा वहां पे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। अभी आप बोलोगे सर एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो वहां बच्चों क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और एग्जाम्पल क्या बच्चों, NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड Na2HPO4, ये आपके एसिडिक सॉल्ट है। कैसे बच्चों ध्यान दो, अगर आपका सॉल्ट में एच हाइड्रोजन आ गया तो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, अगर आपके सॉल्ट बच्चों क्या आ गया OH आ गया तो बच्चों क्या वो आपका बेसिक सॉल्ट होगा। ऐसा भी आप थोड़ा सा ध्यान इसको आप ध्यान दे सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझे मेरे पैर बच्चों इस सर पाठ को? बच्चों ये पाठ हमारा बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो अभी ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें ये फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला जो ये जो अगेन बोलो बच्चों, ये आपका एक IMP पार्ट है,
और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, क्या लिया बच्चों? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो बच्चों अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सा निकालना है, तो बच्चों कैसा है तो बच्चों का देखो आप बच्चा हमेशा देखना ऊपर बच्चों न्यूमरेटर बच्चों का और वैसा के बच्चों का क्या बच्चों का KW, वो क्या बच्चों आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो जो आपका वीक होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, देखो यहाँ वीक एसिड तो बच्चों क्या हुआ KA यहाँ पे आया, वीक बेस है तो बच्चों क्या KW KB यहाँ पे आया, जो वीक होगा बच्चों वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड है और वीक दोनों बेस दोनों वीक है तो बच्चों क्या आएगा KA इंटू KB, तो देखो आई गेस अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा राइट, है ना। अगर आपको बोलेंगे इसका हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट बताओ तो बच्चों क्या आएगा आपको KW बाय K लिखना पड़ेगा, क्या बच्चों अगर आपका वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या बच्चों, ये आपका pH निकलने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों PKW बच्चों कितना होता है, जो हमारा PKW का वैल्यू बच्चों क्या होता है आप बोलोगे 14 होता है ना, yes. यहाँ पे बच्चों आएगा 14/2 तो मतलब क्या बच्चों यहाँ पे आएगा 7, बच्चों क्या बचेगा 7 प्लस दिस एंड दिस, सी क्या बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है और पीके क्या बच्चों ये आपका है, अब ये आपका बच्चों आपका डिसोजिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिडल पार्ट बन जाएगा। अब देखो जो वीक है वही आपको बच्चों दिया गया, देखो यहाँ पे क्या देखो बच्चों यहाँ पे वीक बेस है तो यहाँ पे क्या बच्चों माइनस PKB बना। अगर बच्चों देखो वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक है तो बच्चों क्या हुआ एसिड को प्लस किया बेस को माइनस किया, बच्चों हमेशा ध्यान रखना एसिड को प्लस करोगे बेस को माइनस करोगे, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होगा। अगर एसिड अगर आपका एसिड है तो आपको अगर बच्चों सबको ऐड करना है, अगर बेस है तो आपको सबको माइनस करना है, अगर आपका एसिड बेस है तो क्या बच्चों क्या आएगा पहले एसिड को ऐड करोगे और बेस को माइनस करोगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया कि इस पीएच वाले फॉर्मूले को आप कैसे याद करोगे। अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट टाइम पे नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों की बिकॉज पीएच वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे, पीएच वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे, तो बच्चों ये आपको आना चाहिए, ठीक है ये आपको आना चाहिए। कमॉन सारे बच्चों लोग कमॉन कमॉन, इजी है, इतना हार्ड नहीं है बच्चों कमॉन, तो सारे बच्चे प्लीज इसे अच्छे से नोट कीजिए। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो बच्चों बफर होता क्या है, देखो ए सॉल्यूशन विथ विच रेजिस्ट द चेंज पीएच। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन है ना, अगर आप उसमें एक बफर डालो तो बच्चों क्या होगा वो आपको पीएच को चेंज करने में रोकेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बफर, है ना। जैसे जैसे मान के चलो क्या बोलते हैं कि अगर आपका खाना थोड़ा तीखा हो गया, थोड़ा तीखा हो गया तो मम्मी क्या बोलेगी थोड़ा सा क्या करो मक्खन डाल दो, है ना, तो क्या होगा ना थोड़ा तीखा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा बफर इसे ऐड करता है। तो क्या लिखा है देखो बच्चों, देखो बैडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड द बफर सॉल्यूशन, मतलब क्या बच्चों वो आपको पीएच को चेंज करने में हेल्प करेगा। यस सर, तो एसिडिक बफर बच्चों क्या होगा जिसका पीएच लेस देन 7 होगा। एग्जांपल क्या बच्चों देखो, ये एग्जांपल है इसका और एग्जांपल बच्चों, इसको नोट डाउन करो,
बेसिक बफर बच्चों क्या होगा जिसका पीएच मोर देन 7 होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, NH4OH और NH4Cl। और बच्चों जो हमारे ब्लड में जो बफर है वो बच्चों क्या होता है, H2CO3 एंड NHCO3। ये आपका बफर सिस्टम प्रेजेंट द ब्लड, तो बच्चों ये आपका देगा। तो बच्चों इसको भी आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं। ये करें बच्चों, ये दोनों आपके IMP फॉर्मूला है जो बच्चों बफर वाले पार्ट से आता है। एक बार ऊपर नोट कर फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ऊपर रखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। द सोल्यूशन विच रेजिस्ट मतलब रोक रहा है, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऑफ बेस इज कॉल्ड द बफर सोल्यूशन। ठीक है ना, तो अब सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, जैसे मान के चलो आप सब्जी बनाओ, ठीक है ना, अगर आप अगर आपको जानते हो कि थोड़ा सा तीखा हो गया वो बन रहे, तो क्या बचो थोड़ा सा डाल दो, तो बच्चे जैसे थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करें, थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा कम हो जाए, तो क्या वो आपको पीएच को चेंज कर रुकेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं। सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ओके, अब बच्चों इसी से बच्चों क्या होता है, बच्चों आता है आपका हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन बनता है। तो बच्चों अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है, अगर आपको निकालना पीएच, तो बच्चों क्या आएगा, देखो एसिड मतलब बच्चों क्या बनेगा, पीके आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है ना, अगर एसिड बच्चों आएगा के आएगा, और बच्चों क्या फॉर्म बच्चों आएगा बने बच्चों प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट आएगा न्यूमरेटर में और एसिड बच्चों आएगा डिनोमिनेटर में। सेम बच्चों अगर आपको बोलेंगे बेसिक, तो बच्चों क्या बोलेंगे पीओएच, क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे पीके भी बिकॉज बेस है प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो जो भी दिया बच्चों वो आपका उसके डिनोमिनेटर में आएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको भी ध्यान देना है जी। तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये लिखना, ये खाली आपका बफर सोल्यूशन में काम आएगा, ये आप खाली बफर सोल्यूशन में काम आएगा। ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। ओके फाइन, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों बफर कैपेसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट्स पर दे दूंगा, आप यहाँ पर थोड़ा डाल दें, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या बच्चों, हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सॉल्युबल ब्लड वो बच्चों कहाँ पे काम आएगा, वो आपका काम आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में काम आता है। कहाँ पे काम आता है बच्चों, होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब इस सैचुरेटेड मतलब क्या बच्चों, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं वो पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया, 2 घंटा पढ़ाया, 3 घंटा पढ़ाया, बच्चों क्या आएगा, बच्चों आपके टाइम आएगा कि सब आप बिल्कुल, सैचुरेशन पॉइंट आएगा। हाँ सैचुरेटेड रिपोर्ट आएगा, मैं चाहे जितना पढ़ाऊं, अब आप बोलोगे अब पढ़ना ही नहीं है, आपके सर से ऊपर जाए, तो आप क्या बोलोगे, वो आप हो गया सैचुरेटेड हो गया। सेम बच्चों देखो, अगर आप मान के चलो वाटर में, एक्वा वाटर में कोई सॉल्ट को डाल रहे हो, कोई सॉल्ट को डाला, पहले घुल जाएगा, और डालो और घुल जाएगा, और डालो और घुल जाएगा, क्या बच्चों का एक टाइम आएगा बच्चों कि सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा। आपको क्या होगा, सॉल्ट के अंदर आपका क्या होगा बच्चों का, आपको सॉल्ट के टुकड़े दिखने मिलेंगे, उसका किसका दिखने मिलेगा, तो वो बच्चों का उससे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों इसका इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखो हमें बच्चों ये पता चलता है कि हमारा पीपीटी बने कि नहीं बने, वो हमें पता चलता है, हमें पीपीटी बने नहीं बना तो हमें पता है। पीपीटी मतलब क्या बच्चों,
प्रेसिपिटेशन, क्या बचूगा, प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। अब देखो जय बच्चों, आप क्वेश्चन पूछो, आपका नया, आपको ना सबसे पहले आयंस को अलग बनाना चाहिए। अगर मैं सही तो बच्चों देता हूँ, दैट इज MgCl2 सॉल्ट है, इसको अलग कैसे अलग करोगे, Mg2+ G2 प्लस और सी नेगेटिव। अब देखो, अब बच्चों ये मानो जो इसका स्टोइकोमेट्री है, वन है और टू है, इसको आप मानो यस एक्स, इसको आप मानो वाई, और बच्चों क्या होगा, देखो जो भी आपको दिया बच्चों उसका ये होगा एस, एस क्या बच्चों है आपका सोलबिटी, Mg2+ से सोलबिटी होगा और सीएल का भी आपका सोलबिटी होगा, तो आपको कैसे बच्चों कैसे निकालना है, ध्यान देना। आप बोलोगे एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू एस के पावर एक्स प्लस वाई, तो बच्चों MgCl2 का सॉल्यूशन कैसा आएगा, ध्यान देखो एक्स बच्चों क्या है यहाँ पे वन है, तो वन का पावर वन इंटू वाई बच्चों यहाँ पे क्या है टू है, तो टू टू के पावर टू मल्टीप्लाई बाय एस क्या बच्चों सॉल्युबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई बच क्या आएगा, वन प्लस टू बच क्या आएगा थ्री आएगा, तो वन का वन का वन का वन वन आएगा, टू का से फोर है, तो बच्चा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4s³, क्या बच्चा आएगा, इसका आंसर आएगा 4s³ आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे इसको दिया, देखो देखो अगर आपका Fe2 टाइप है तो बच्चों क्या बनेगा 4s³ आएगा, अगर आपका Ab मतलब Ab मतलब क्या बच्चों NaCl KCl, क्या बच्चों ये आपके Ab टाइप है, तो केस बच्चों क्या होगा एस का स्क्वायर आएगा, सिंपल है ना। अगर आपका तीन आ रहा है, अगर आपका Ab3, ये कौन सा बच्चों, आप बोलोगे AlCl3, इसका बच्चों केस पे क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे 27s⁴ आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको कराऊंगा, ढूंढो अभी हम कराऊंगे मैं आपको, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और बच्चों इस पॉइंट को आपको ध्यान दो, क्या लिखा था बच्चों, द केएसपी ऑफ एजीआई इज लोअर दैट ऑफ एजीसीएल सो दैट फॉर्मर्स गेट प्रेसिपिटेड इन द प्रेफर टू लीटर, तो बच्चों ये आपका जल्दी मिल जाएगा। देखो अगर केएसपी का वाले ज्यादा आने आने पर, अगर आपका आने पर केएसपी ज्यादा हो तो बच्चा पीपीटी नहीं बनेगा, अगर आपका आने प्रोडक्ट ज्यादा है केएसपी से तो पीपीटी बन जाएगा, दोनों से बच्चों का बच्चों का ये आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, ये आपको बच्चों ध्यान आना चाहिए। तो बच्चों मैं बोलूंगा आपको बच्चों ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये IMP है, और बच्चों आपको सॉल्ट को अलग करना आना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ सर बच्चे। अब बच्चों हम क्वेश्चंस अच्छा करेंगे, अब बच्चों हम कोशिश करेंगे तो उसका बच्चा प्लीज ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, करोगे बच्चों। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, सपोज करो आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट है A2B3, ऐसा कोई सॉल्ट है, अगर स्टोइकोमेट्री 2-3 दिया है तो बच्चों कैसा आएगा, देखो जैसा देखो देखो, टू उसके बाजू में जाएगा तो क्या बच्चों बनेगा 2A3+, और बच्चों क्या बनेगा 3B2-, ये इसके बाजू में ये इसके पावर में, ये ध्यान रखना, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया, देखो देखो यहाँ पे दिखे दो दिया, ठीक है ना। अब देखो ये आपका एक्स है और भाई साहब आपका वाई है, तो बच्चों क्या आएगा एक्स के पावर एक्स वाई के पावर वाई इंटू एस के पावर क्या बच्चों एस, एस एक्स 5 S की पावर 5 फोर, 3³ 27 इंटू एस के पावर 5, राइट, ये आपका बनेगा, तो 24 से कितना बचा आता है, ये आता है 108 एस के पावर 5, यस
ये आपका क्या बच्चों, ये आपका के एस पी का वैल्यू होगा, इतने बच्चों एग्जाम आएगा। एक्स स्क्वायर, 4s³, 27, sk4 और आपका 108a^5, काम खत्म। इतने बच्चों एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो क्या बच्चों हम क्वेश्चन का स्टार्ट करें सारे बच्चे? हाँ है ना यस सर। जी बच्चा। चलिए आई होप बच्चों सब बच्चों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया। देखो एक बार बच्चों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अच्छे से, बस देख लो। ये हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन बफर वाला, और ये वाला बच्चों, एंड देन ये वाला देखो, जो आपका डिफ्यूज कॉन्स्टर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड पार्ट, इसको ध्यान देना। फिर तो बच्चा आपका पीएच वाला पार्ट है, पीएच का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। यस क्या सबको ये पीपीटी दिख रहा है सारे बच्चे? हाँ है ना, पीडीएफ। सर। अब सपोज करो बच्चों एक क्वेश्चन में आप बाकी मैं आपको कराऊं, ठीक है? देखो अब बच्चों एग्जाम में कैसे दो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक, इतना उसका कंसंट्रेशन है, व्हाट विल द पीएच? तो बच्चा पीएच कैसा आता है? पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो बच्चों क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ 3 × 8 × 10^-3। अब बस सॉल्व कैसे दो, ध्यान दो, ब्रैकेट ओपन करो और बच्चों क्या मल्टीप्ल, तो क्या प्लस हो जाएगा लॉग 3.8, ठीक है ना? अब बच्चों प्लस होगा, बाहर माइनस है बच्चों, तो क्या बच्चों माइनस माइनस, अब प्लस माइनस 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 log 10^-3। अब बच्चों log 3.8 का वाले आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम देंगे इसका बच्चों बोले क्या बच्चों, ये पावर इसके आगे आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस थ्री क्या आएगा? +3 log 10 और प्लस माइनस log 3.8। तो log 10 क्या होता है बच्चों? होता है ये 1 होता है, तो उसके वन आंसर माइनस log 3.8 + 3। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो log 3 को कितना दिया बच्चों, 0.58 दिया, जीरो तो माइनस 0.58 log 3 का वैल्यू -0.5 0.58 है, +3। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो आपका आंसर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान से समझना। ओके अब देखो बच्चों, देखो ये आपका JEE का पहला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। यस सर। अब बोला क्या बच्चों, ध्यान समझो, कौन सा सही स्टेटमेंट आपको बताना है बच्चों? सी ऑप्शन देखो, क्या सी ऑप्शन सही है? यस सर। हले को यस सर, बाकी और कोई सर नहीं है? लगता है सर नहीं सही है। सही है। तो बच्चों अगर आपको ऑप्शन सी सही है, तो बच्चों देखो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सी नहीं है, तो मेरा आपका ऑप्शन डी यस नहीं आएगा। अब देखो अगर आपका सी सही है बच्चों, तो बच्चों आपको बी को चेक कर दो, बिकॉज क्या बच्चों बी आपको सब में आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा ये भी सही है और ये भी सही है। अब बच्चों आपको आपको ये चेक करना है कि ये आपका सही है या गलत है, से ये गलत आप। है नो तक। तो बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको बताना है। क्या बच्चों पीएच ऑफ 1 × 10^-8 का क्या आपका आंसर है? क्या उसका पीएच 8 आता कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है ना? अब बहुत सिंपल सी बात है ना? अब देखो ऑप्शन डी देखो बच्चों, ऑप्शन डी चेक करो। द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रल, तो पीएच क्या हो चुका, हाफ के बराबर होगा,
क्या हमने ये फॉर्म पढ़ा था बच्चों? हाँ है ना, क्या ये सही गलत है? तो आप बोलोगे आपका गलत है, गर्ल तो आपका ऑप्शन डी नहीं आएगा। तो बच्चों आएगा या तो आपका ऑप्शन ए से होगा या तो ऑप्शन बी से होगा। तो बच्चों ये आपका चेक अभी करना है, ये आपका ऐसा आपको चेक करना है। पीएच बच गया वो आपको होमवर्क क्वेश्चन का। आप देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों को, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे इसका जो आंसर बच्चों वो पोल में देंगे, ठीक है ना? इसका बच्चों सारे बच्चे इसका आंसर आप पोल में दोगे। ठीक है, इसका आंसर पोल में दोगे। देखो बच्चों जेडब्ल्यू 2023 का क्वेश्चन है, व्हेन एन हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन फैक्टर चेंज 1000, व्हाट द वैल्यू ऑफ पीएच सोल्यूशन, पीएच का सोल्यूशन क्या है, ये आपको बोला गया, ये आपको बोला गया है। कमान सारे बच्चे, अभी तक 3 बच्चों का राइट राइट आंसर आ चुका है। When the hydrogen ion concentrate or express change by factor of 1000, the value of solution dash decrease होगा, increase होगा, decrease होगा, increase होगा। Come on सारे बच्चे, हो रहा सारे बच्चे? हाँ है ना, अभी तक से 5 बच्चे लोग उठे, भाई क्या कर रहे हैं, सो गए क्या? और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। देखो सपोज करो, चलो मैं एक और मिनट दे रहा हूं, मैं आपको एक और मिनट दे रहा हूं। कमान सर बच्चे कीजिए कमान। ओके बच्चों, मैं पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ध्यान से रुके। देखो सपोज करो बच्चों, अगर आपका पीएच कितना बच्चों, अगर आपका पीएच है 0, सपोज करो इतना है पीएच वाले बच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ पी एच एच प्लस। पॉजिटिव एच पॉजिटिव अब बच क्या बोला, एच पॉजिटिव कितना बचा हो गया, 1000 से बढ़ गया है, बढ़ा दिया है 1000, मतलब क्या होगा 10 के पावर 3, तो क्या आएगा, माइनस ये आ गया थ्री -3 log 10। log 10 क्या होता है, वन 1 -3 डिक्रीज बाय -3। सारे बच्चे बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? पलक, शगुन, बाकी सारे बच्चे नो बताओ जरा। सर पल्लवी, तन्वी, सीमा, साइना, साजिया है ना? अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको केएसपी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक ना? ये अब करेंगे बच्चों, देखो। ओके, जाने से आगे बढ़ने से दो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन देखो दिख रहा है, यस K1, K2, K3 आपको दिया है। तो बोला क्या बच्चों, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या बनेगा? बच्चों अभी हमने पढ़ा था, क्या आंसर आएगा, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बच्चों सारे बच्चे।
प्लस होगा, माइनस होगा, डिविजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा? मुस्कान मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं बच्चों, देखो ये भी आप एक होमवर्क क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट? ओके तो बच्चों हमने जितना पढ़ा हमने क्या देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन पार्ट देखा था ना, तो क्या आंसर आ सकता है? डी ऑप्शन डी दिख रहा है? यस सर अभी बच्चों अभी आपके बच्चों आ गया, क्वेश्चन आ गया केएसपी के ऊपर। देखो बच्चों क्वेश्चन दो, बच्चों क्या लिखा, देखो देखो केएसपी का वैल्यू दिया गया है इतना, निकालना है क्या बच्चों आपको? निकालना है सॉल्विड, सॉल्विड क्या बच्चों होता है, एस निकालना है आपको। अगर आपको बच्चों दिखाई दे 2 और 3 दिखाई दे, तो बच्चों केएसपी का वैल्यू बच्चों क्या आता है, क्या आता है बच्चों केएसपी का वैल्यू? 108 एस के पावर 5 है ना। अगर आपका ए टू बी थ्री बना रहा है तो आपका ये बनेगा, तो केस में क्या दिया है, इतना आपका दिया गया है, आपको एस निकालना है। बता बच्चों एस क्या आ गया, एस कैसे बच्चे बताओ कैसे आएगा, बताओ कम ऑन सॉल्व कर दो। ये सारे आपके जे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है, आप खुद देख रहे हो। देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी करो बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, आपको खाली दिमाग यूज करना है। सानवी आपका हो गया, क्या यस सर, फिर आंसर है? ऑप्शन ए आ रहा है। सही है। देखो सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। केएसपी वाले कितना दिया बच्चों, दिया 1.08 इनटू 10 के पावर -73 इज इक्वल टू 108 एस के पावर 5। मेरा 5 थोड़ा सा अजीब ही है, 5। अब बच्चों देखो, अब देखो अगर आप बच्चों ये डेसिमल आगे कर देते हो तो क्या बच्चों, ये भी 108 108 बन जाएगा और ये भी 108 बच्चों, तो क्या होगा 101, क्या आंसर आ सकता है? ऑप्शन आ सकता है बच्चे, सॉल्व कैसे करेंगे? 1 into 108 into 10 के पावर -75, मैंने दो से आगे बढ़ा दिया तो पावर घट गया, डिवाइड 108 एस के पावर 5 कट गया, क्या बचा? 1 into 10 के पावर -75। क्या करोगे बच्चों आपको खाली एस निकालना है, इसके बच्चों का √1/5 ये आपको एस। तो बच्चों हमें पता क्या पता है, 15/5 का कितना होता होता बच्चों, होता है 75 होता है, तो बच्चों क्या आंसर आएगा? यस सर -50 देखो ऐसे बच्चों एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, देखो सारे बच्चों समझ में आ रहे बच्चों? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा, देखो पूछा, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में बच्चों, इसका इस बच्चों इसका वाले बता सकते हो, ये पूछा है 2022 में, बच्चों ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर बच्चों एनओएच है तो बच्चों आप क्या निकालोगे, आप बच्चों क्या निकालोगे, आप निकालोगे यहाँ पे पीओएच, क्या यूएच है? नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस कंसेंट्रेशन। अगर एनओएच इतना बच्चों तो इक्वल बच्चों क्या होगा, आप बच्चों बोलोगे एनए प्लस होगा और आपको ओएच माइनस क्या बचोगा, ये इतना होगा 0.0 बनाएगा इसका, ये भी आपका 0.0 बनाएगा। देखो सर सर बोलो इलेवन बच्चे सर इलेवन 11 पीएच दो, देखो यहाँ पे हाँ पीएच आपके लिए बनाएगा, एकदम से बोला, एकदम आपने सही बोला, एकदम से बोला। अब बच्चा डायरेक्ट बच्चा आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं बच्चों बहुत सिंपल, देखो
क्या बच्चों ये कितना वाली होता है, ये होता है 10 के पावर -3 माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर -3, तो क्या आंसर आएगा +3 log 10, log 10 तो 1, तो आपका पीएच कितना आ बचा, ये आपका 3 आ गया, तो पीएच प्लस पीएच कितना होता है, ये होता है 14, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस 3 आ गया आपका आंसर, ऐसे करना आपको। और एक देखो आप खुद देखो क्वेश्चन कब का है, ये ऐसा नहीं कि 3-4 से बोलो, ये आपका अभी भी क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बोल रहा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आप खुद देखो क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रहा, देखो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, यस सर दो देखे से क्वेश्चन देखो, अब बच्चों यहाँ पे अब बच्चों दे दो अमोनियम फर्स्ट सोल्यूशन, देखो पीके पीके दिया गया है और पीके भी दिया गया है, आपको पीएच निकालना है, बच्चों फॉर्मूला क्या था सॉल्ट हाइड्रेट फॉर्मूला क्या था, अगर आपको निकालना है पीएच कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आएगा सर? हाँ पीके, बोलो बोलो बोलो, सही बोला सही बोला टीना आपने, मैंने क्या बोला बच्चों, एसिड को प्लस करना है, बेस को माइनस करना है, यस सर, तो फॉर्मूला बच्चे कैसा आएगा सर? हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, एकदम सही, तो बच्चे क्या आंसर दो 7 प्लस 5.23 माइनस बच्चे क्या होगा डिवाइड बाय 2 माइनस 4.75 डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये फॉर्म था ना हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, देखो जरा ये फॉर्मूला है चेक कर लो है कि नहीं, बताओ जरा क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों, देखो कब पूछा गया है, तो बच्चों क्या सीखा आपने, क्या आपको ज्यादा पता होना चाहिए बच्चों, आपको अलग अलग पीएच निकालना फॉर्म पता होना चाहिए, पीके दिया है पीके भी दिया आपको आना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, देखो क्या डिफिकल्ट है बताओ, यस सर, फॉर्मूला को अप्लाई करने आना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन इसका आंसर दो, दो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, अब बताओ इसका आंसर क्या है, इसका केस पी इसका ये कैसा आएगा बताओ, कैसा फॉर्म बनेगा बताओ, मैंने क्या बोला आपको अलग करना आना चाहिए, बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है, कम ऑन मुस्कान जिया, ये हमने सुबह नहीं किया था, ये क्वेश्चन करो जी, सबसे पहले अलग करो कोफिशिएंट निकालो पावर के ऊपर पावर करो, आपका आंसर आ जाएगा, और आप बच्चों दो ऑप्शन तो ऐसे देख के एलिमिनेट कर सकते हो, दो क्वेश्चन तो आप ऐसे देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो, दो क्वेश्चन को तो ऑप्शंस को तो, साइना साजिया कमो सर बच्चे करो क्या आंसर आएगा इसका, अश्वर्य बोला ऑप्शन भी बहुत बढ़िया अश्वर्य बच्चा, देखो तो बताओ अगर आपका एक क्वेश्चन बच्चा कैसा होगा 3 ZR 4+4 PO4 3 negative आएगा, 3 का 3 4 का 4 S की पावर 3+4 7 आएगा, अगर बच्चों यहाँ पे 7 है तो बच्चों 9 तो नहीं आ सकता, 6 तो आ नहीं सकता, तो क्या बनेगा, या तो मेरा ऑप्शन बी आएगा या तो मेरा डी आएगा, तो ऐसे ही बच्चों आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, 3 क्यूब होता है 27,
फोर का फोर क्या बचोगा, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, फोर ओवर सिक्सटीन, फोर ओवर सिक्सटीन, तो 27 इंटू सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन इंटू एस के पावर 7। तो बच्चों अगर आप इतने टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इतना छोटा नंबर तो नहीं आने वाला, 200 तो नहीं आने वाला, तो क्या आएगा? बी ही आएगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग से भी आ जाएगा। अब बताओ हमने 2024-23 से क्वेश्चन देखा, तो आपने बच्चों देखो, हाँ ये बच्चों मान सकते हो इक्विलिब्रियम में से दो क्वेश्चन आएगा, एक आपका केमिकल्स आएगा एक आपका आयनिक्स आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान देना। देखो बच्चों बाकी बच्चों आपका क्वेश्चन आपको होगा है ना, देखो बाकी आज सोशल मीडिया बच्चों आपको भेज दो, कल भी बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है ना, कल हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। डन ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय बच्चों, बाय 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 सर।